हॉट स्टॉप इन पल दक्षिण अफ्रीका के पिता ने अपने खुद के बच्चा को छत पर फेंक दिया, जिसकी वजह से अवैध ढक्कन को ध्वस्त कर दिया गया। चिल्लाती एक वर्षीय रणनीतिक रूप से रखा पुलिस अधिकारियों द्वारा पकड़ाया गया था क्योंकि उसके पिता ने अपना खतरा उठाया और जाने दिया। यह दिलरोग क्षण है, एक पागल पिता एक अवैध टाउनशिप को ध्वस्त कर दिया जा रहा। मैं बनाया अपने झोंपड़ी को रोकने के लिए इतनी हताश, छत से अपने बच्चा को फेंकने के लिए अपने खतरे को बाहर किया जाता है। एक पुलिस वार्ताकार के रूप में पिता के प्रति उत्सुकता से किनारा होता है। वह अपने घबराहट और चिल्लाती एक वर्ष की बेटी को टखने से, सूरज की भूख धरती से ऊपर की ओर से टखने से झुकाता है। एक भयानक क्षण, एक पिता ने अपने बच्चा अपने गैर कानूनी घर की तरफ झुकाया। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा के आधे दर्जन अधिकारियों के पास उनके पास अनजान चुपके से आगे बढ़कर और पिता के नीचे खड़े हो गए, सिर्फ इसलिए कि वह वास्तव में छोटी लड़की को जाने दे। छत पर बहादुर अधिकारी ने सहकर्मी को चेतावनी दी कि पिता नौजवानों को छोड़ने वाले थे क्योंकि बस्ती प्रदर्शनकारियों ने थ्रो फेंक फेंक के मंत्रों के साथ उत्तेजित पिता को चूमा। पुलिस अधिकारी ने पिताजी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ दिया, लेकिन उग्र माता पिता ने पैर से और इमारत के किनारे पर लड़की को झुकाया। नीचे कई अधिकारियों में से एक उसे पकड़ता, पहले कई जबड़े छोड़ने के लिए बच्चा हवा के माध्यम से गिर जाता है। छत पर 38 वर्षीय व्यक्ति को फिर से तीन अन्य अधिकारियों द्वारा घेर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और हथकड़ी जाती है और जमीन पर उतारा जाता है। उस पर हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। 90 नालों का ढांचा होने के आदेश दिए जाने के बाद यह नाटक हुआ। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप तट पर पोर्ट एलिजाबेथ के पास क्वाडवेसी में, जो स्लिवो टाउनशिप में उन्हें अवैध रूप से बनाया गया था, विध्वंस टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा को भेजा गया था क्योंकि 150 प्रदर्शनकारियों ने दंगेबाजी शुरू की थी। उन्होंने ईंटों को फेंक दिया और टायरों के साथ सड़कों को बंद कर दिया, जैसा कि शांत बहाल किया जा रहा था। उदास पिता अपने बच्चे के साथ अपने झोंपड़ी की छत पर चढ़ गए और धमकी दी कि वह उसे अपनी मौत के लिए छोड़ दे यदि दम तोड़ने वालों ने वापस नहीं छोड़ा, और अपने घर अकेले छोड़ दिया। जब वार्ताकारों ने उन्हें बात करने में विफल रहा तो बचाव अभियान को पुलिस ने लॉन्च किया, जिसने पिता की गिरफ्तारी के साथ सफलतापूर्वक समाप्त हो गया और बच्चा की सुरक्षित वसूली जो झोंपड़ी से फेंक दिया गया था। पुलिस प्रवक्ता कप्तान आंद्रे बीटके ने स्थानीय मीडिया को बताया, लगभग 10:40 बजे एक 38 वर्षीय व्यक्ति ने संरचनाओं में से एक की छत पर चढ़ा और अपने हाथों में एक वर्षीय लड़की को रखा। यह संरचना को ध्वस्त करने के लिए टीम को मजबूर करने के लिए किया गया था। बाल पुलिस की सुरक्षा के लिए खतरनाक खतरे के कारण छोटी लड़की को बचाने और पुरुष को गिरफ्तार करने की योजना तैयार की गई, और हमारे अधिकारियों में से एक ने सफलतापूर्वक लड़की को पकड़ लिया क्योंकि वह फंसा हुआ था। 38 वर्षीय पिता को अपनी बेटी की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है और यह मामला पारिवारिक हिंसा, बाल संरक्षण और यौन अपराध इकाई द्वारा किया जा रहा है। कप्तान बीटके ने कहा कि बच्चे को 35 वर्षीय मां को वापस सौंप दिया गया है और उनके मामले को स्थानीय सामाजिक सेवाओं की देखरेख में रखा जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चे सुरक्षा के स्थान पर हैं। मदावल क्लस्टर कमांडर मेजर जनरल डावी रेबी ने पुलिस कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा, यह चौंकाने वाला है कि एक पिता अपने बच्चे को एक अवैध ढिंढ ढांचे के ढहने में देरी करने के लिए अपने बच्चे को बलिदान करने का प्रयास करेगा, लेकिन शुक्र है कि लड़की को बचाया गया था। उन्होंने कहा, पिता अपने कार्यों के लिए कानून की पूर्ण शक्ति का सामना करेंगे।
विध्वंस दल ने फिर से आगे बढ़कर 9 शून्य संरचनाओं को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, जिन्हें अवैध भूमि पर अवैध तरीके से बनाया गया था।